Bye.
Yeah.
Blessed Satchidananda Gaur Hari Ki Blessed Nam Chaitanya Mahaprabhu Ki Itai Gaur Pranamate Hari Hari Bol Hari Krishna Natra Katha Sanda Om Ajnana Tumira Dhasya Jnana Anjana Salakaya Chakshur Unmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namah गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अजानुलब्धकभुजौ कनिकापदाकौ संकीर्तनैकभितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वृंदाय तुलसीदेवै प्रियाय केशव सच कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवतै नमो नमः श्री महाप्रभु के लिए चैतन्य महाप्रभु है ना चैतन्य महाप्रभु छोटा माला श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरि हरि बैठ जाओ प्रभु हरे राम हरे आप बैठ जाओ प्रभु जी राम राम हरे हरे बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की हाँ बस बस में हरे कृष्ण हाँ तब तब खाली बसी रहो जहाँ लागे वन खाली आदेश दियो तब उठे बने सठ हाँ तुम लोग मदद कर तो प्रभु हरे कृष्ण सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हाँ देखो आज हाँ श्री चैतन्य महाप्रभु का जो विग्रह स्थापन की गई है अभी यहाँ प्रश्न होता है भगवान इसी जगत में क्यों आते हैं, ये ठाकुर जी को हम क्यों स्थापन करते हैं, इसमें क्या रहस्य है। ठाकुर तो गोलोक वृंदावन में रहते हैं, पर इधर आने का क्या जरूरत है। कहते एक समय श्री नारद जी इसी मर्त्य जगत में आए और घर घर में गई और सबसे पूछा, सब कुशल मंगल है ना, बताओ कुशल मंगल है कि नहीं, सबके सब सिर हल हिलाया। ठीक ठीक है तब कर दे पाँच थोड़ा से दे दे हाँ कर सब कर दे हरे कृष्ण। इसलिए सबके सब सर हिलाए हम ठीक ठाक हैं, लेकिन जब अंदर की बात पूछे ना देखा जगत में कोई भी ठीक नहीं, कोई राय भी नहीं, सब के सब रंग है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई हैं अड़ोसी से दुखी, सब दुखी दुखी दुनिया में सबके सब दुखी। जब नारद जी वैकुंठ में पधारे देखा भगवान अनंत नाग पर शयन किए हुए माँ लक्ष्मी प्रभु जी के चरण की सेवा कर रही थी और सारे देवा देवी भगवान को स्तुति स्तव कर रहे थे,
तब नारद जी बोले, प्रभु आप तो यहाँ पर लक्ष्मी को लेकर के पड़े हुए और बड़े आनंद ले रहे हो, लेकिन मैंने मरते जगत में गया, सब जीवों को पूछा, सबके सब दुखी है, कोई जगत में सुखी नहीं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। देखा कोई सुखी नहीं, सब दुखी है। तब भगवान ने कहा, नारद जी बताओ मुझे क्या करनी चाहिए। बोले, दुनिया को किसने सृष्टि किया? बोले, आपने किया ना मैंने किया। बोले, मैंने किया। जो आपने किया, ये दुनिया सब किसके बच्चे हैं? बोले, मेरे ही बच्चे हैं। अगर बच्चे दुख पाए, पितामह तो सुखी रहते क्या? आप तो दुनिया को पिता हो। बोले, बताओ मुझको क्या करनी चाहिए। बोले, प्रभु हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा। भगवान से विमुख होकर के रावण जैसे व्यक्ति को भी सुख नहीं मिला है। धन दौलत पुत्र परिवार से कब नहीं था, तभी वो दुखी था। बोले, सुखी कैसे होगा? बोले, तभी सुखी होगा जब जीव भगवान की शरण में आएगा। सन्मुख होई जब जीव ही, जब जीव भगवान के सन्मुख में आता है तब उसको सारे दुख खत्म हो जाते हैं। इसलिए बोले, बताओ मुझे क्या करना। बोले, थोड़ी सी नीचे आओ, इतना ऊपर रहने से काम नहीं चलेगा, आप थोड़ी सी नीचे आओ, लोगों को अपना सेवा दो, भक्ति दो, इसी में ही लोग सुखी रहेंगे। बोले, मैं तो वैकुंठ में हूँ। बोले, प्रभु वैकुंठ किसने देखा? आप लोगों ने देखा है वैकुंठ? देखा नहीं? कल सुना है वैकुंठ को एक स्थान है, किसको पता है वैकुंठ कहाँ पर? पर नीचे उतर। बोले, एक रमा वैकुंठ। रमा वैकुंठ मतलब ये ब्रह्मांड के अंदर में एक वैकुंठ है जिसको कहते हैं रमा वैकुंठ है। कल मैं तो रमा वैकुंठ में हूँ। बोले, प्रभु उसको भी किसने देखा? उसको भी किसने नहीं देखा? थोड़ी और नीचे आओ। बोले, कितना नीचे आओ? बोले, और थोड़ी सी आओ ना। तब भगवान स्वर्ग, बोले स्वर्ग में भी तो हूँ, क्योंकि वामन देव का छोटे भैया उपेंद्र है जिनका नाम श्री वामन देव इंद्र के छोटे भैया हैं, इसलिए उनका नाम उपेंद्र। कहते मैं तो स्वर्ग में हूँ। बोले, सब लोग तो सुना स्वर्ग स्वर्ग, अब लोग स्वर्ग कहीं गए हो? कहीं स्वर्ग देखे हो? नहीं देखे। बोले, स्वर्ग किसने देखा प्रभु? बोले, और थोड़ा नीचे आओ। बोले, मैं तो सभी का हृदय में हूँ। भागवत में बताया, एक वृक्ष में दो चिड़िया बैठे, एक चिड़िया तो खट्टा मीठा फल को खा रहा है और एक चिड़िया वो केवल देख रहा है साखी रूप में। ये खट्टा मीठा फल को कौन खा रहा है? बोले, ये जीव, कभी दुखी कभी सुखी, कभी सुखी कभी दुखी है। लेकिन एक चिड़िया साखी रूप में देख रहा है, वो चिड़िया कौन है? कहती है परमात्मा। हृदय में केवल एक साखी रूप में ये केवल देख रहे हैं साखी रूप में। इसलिए प्रभु आप तो हृदय में हो, लेकिन वहाँ तटस्थ रूप में। तटस्थ मतलब है आप किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होते। जीव का दुख कष्ट को तो देख रहे हो, लेकिन आप तो एकदम निर्विकार रूप में वहाँ पर बैठे हुए हो हैं। आपका हृदय में कोई हलचल नहीं। प्रभु ऐसे नहीं चलेगा, और थोड़ा नीचे उतर। फिर उनको बोलने पर भगवान को इस मर्त्य जगत में आना पड़ा। बोले, किस रूप में? बोले, आज जो ठाकुर को दर्शन किया है ना, इसलिए इनका नाम है विग्रह। क्या नाम है? विग्रह। विग्रह मतलब क्या है? बी मतलब होता है विशेष पूर्वक, ग्रह मतलब होता है भक्तों को, सेवा को जो विशेष पूर्वक जो ग्रहण करते हैं, इसलिए इनका नाम विग्रह है। इसलिए वो ऐसे ठाकुर जी है, ऐसे ठाकुर जी है। देखो इतना नज़दीक ठाकुर जी आ गए, इतना नज़दीक आ गए। कितने नज़दीक आ गए? कहते यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति नतव नखाग्र पंचि। मतलब है जिनकी चरण की छटाओं को ब्रह्मा तक भी दर्शन नहीं कर पाते, भगवान की चरण की छटा, लेकिन वो इतने निकट में आ गए। अब घर में ठाकुर जी ना लड्डू गोपाल है, किसको घर में लड्डू गोपाल होगा, किसको घर में राधा कृष्ण होंगे? होंगे नहीं कि राधा कृष्ण लड्डू गोपाल। इतने ठाकुर नज़दीक आ गए, जैसे ठाकुर को तुम लोग स्नान कराते हो, हाथ में रख करके स्नान कराते ना, मतलब इतने बड़े भगवान को तुम हाथ में ले आए। ठाकुर जी हाथ में बैठ जाते, इतने बड़े भगवान को, भगवान को कोई छू सकता है? लेकिन घर में ठाकुर को तुम श्रृंगार करते कि नहीं? ठाकुर को छूते हो ना,
ठाकुर जी को स्पर्श कर लें, ठाकुर जी को तिलक लगाते होंगे, अलगा लगाते होंगे। ठाकुर जी कितने दुर्लभ है, लेकिन ठाकुर जी को तुम तिलक लगा रहे हो, अलगा लगा रहे हो, ठाकुर जी को कपड़ा पहना रहे हो, ठाकुर जी को स्नान करा रहे हो। किसको स्नान करा रहे हो? जिन भगवान को पाने के लिए ब्रह्मा शंकर नारद कठोर तपस्या करते हैं, लेकिन आज वो भगवान आपका घर में, आपकी घर घर में। ठाकुर जी को दर्शन करना कितना दुर्लभ है, लेकिन घर में जब ठाकुर होते, जब इच्छा तब दर्शन कर, जब इच्छा दर्शन करना, सवेरे हो, दोपहर को हो, शाम को, जब इच्छा ठाकुर का दर्शन करो। नारद जी को प्रसाद पाने के लिए कितना कष्ट करना पड़ा, कितने हजार साल तक उन्होंने तो लक्ष्मी की सेवा की थोड़ी सी प्रसाद पाने के लिए, लेकिन तुम लोग क्या करते हो, सवेरे भी भोग लगा देते हो, शाम को भी लगा देते हो, दोपहर में भी लगा देता हो, जब इच्छा ठाकुर को भोग लगा कर प्रसाद पाते हो। मतलब भगवान कितने नज़दीक आ गए, ये विग्रह बन करके हमारी कितने पास में ठाकुर जी आ गए, और हम क्या कर रहे हैं, ठाकुर जी को साक्षात रूप में सेवा करके उनका दर्शन आनंद, प्रसाद आनंद, श्रृंगार आनंद, सब आनंद 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 ले रहे हैं, आनंद आनंद ले रहे हैं ठाकुर जी को, इतने नज़दीक बने गए। इसलिए देखो, इसलिए कहते ना, कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, कहते सबरी के जैसे तो खिलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, बोले मैया जसोदा जैसे तुम सुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, ब्रज गोपियाँ जैसे तुम नचाते नहीं। इसलिए ऐसे ये ठाकुर जी है जो भक्तों के साथ में बात करते हैं। ठाकुर जी भक्तों के साथ में ठाकुर जी बात करते हैं, लेकिन किसको साथ में करेंगे, जब तुम ऐसे भक्त बनोगे। देखना तुम्हारे घर में जो ठाकुर है ना, तुम्हारे साथ में साक्षात वो बात करेंगे, कुछ भी बोलोगे ठाकुर जी सुनेंगे, हैं। लेकिन कब सुनेंगे, द्रौपदी जैसे बनो, सबरी जैसे बनो, हैं। इसलिए सनातन गोस्वामी, जैसे सनातन गोस्वामी ठाकुर जी को बगैर नमक के टिकिया खिलाते थे, वो क्या कहते हैं, अरे बाटी। इसलिए तुम बिना ज़्यादा भट्ट मत लगा कथा सुनो, इसलिए कहते ज़्यादा तुम, हैं, इसलिए तुम नमक तो नहीं देते और सब्जी तो थोड़े दिया करो। बोले आज बोलेगे सब्जी दो, कल बोलेगे थोड़ा राबड़ी ले आओ, फिर बोलेगे थोड़ा मलाई ले आओ, आनंद नहीं आ रहा है। तेरे बाबा का तो 9 लाख गया था, तभी तेरा पेट नहीं भरता था, तो घर में चोरी चोरी कर खाता था ना, हैं। इसलिए मैं फक्कड़ बाबा हूँ, कहाँ से लाऊँ, भैया हमसे नहीं होगा, अगर खाना तो खुद संग्रह कर लो। उन्होंने खुद संग्रह कर लिया, हैं, उन्होंने खुद संग्रह कर लिया। मतलब भगवान भक्तों के साथ में बोलते हैं, हैं, ठाकुर जी बोलते हैं ठाकुर जी। इसलिए अब साखी गोपाल का नाम सुने ना, हैं, साखी गोपाल वो कहाँ थे, बोले जगन्नाथपुरी वो थे, वृंदावन में थे, लेकिन साखी देने के लिए ठाकुर जी ने क्या किया, चलते 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 कहाँ चले गए ठाकुर जी, पुरी चले गए ठाकुर जी, पुरी पहुँच गए ठाकुर जी, चलते चलते ठाकुर जी चले गए। जब राजा रानी को पता चला ठाकुर जी साखी देने के लिए आए, पूरा के पूरा गांव उमड़ करके आए, बोले ठाकुर वृंदावन से चल चल करके आए, बोले हाँ चल चल करके आए। जब राजा रानी देखने के लिए आए, उन्होंने देखा बड़ी सुंदर गोपाल जी है। अभी रानी जो थी ना, उनको पास में एक हीरे की बेसर थी, नाक की बेसर थी। अभी रानी सोच रही है, अगर ठाकुर जी के नाक में छेद होता तो मैं ठाकुर जी को पहना दूँ, ये केवल मन मन में सोच करके रानी चली गई। रात को ठाकुर जी सपने में आए, बोले रानी आपको इच्छा मेरे नाक में बेसर पहनाने की, मैं जब छोटा बच्चा था मेरी मैया ने अपना नाक में छेद बना कर रखी है, अभी वो छिद्र है, लेकिन वो जो मिट्टी में है ना वो भर गया है, वो बेसर लेकर के आओ और मेरे को पहना करके जाओ। जब स्वप्न दी ना, रानी की नींद खुल गई, राजा को उठा, बोले महाराज उठो उठो, बोले क्या बात है, बोले मैं तो मन मन में सोच करके आई थी, मेरे पास में जो हीरा की बेसर है ना, ठाकुर को नाक में छेद होता तो पहना देती, लेकिन ठाकुर जी मेरे को स्वप्न दिया, अभी भी वो छेद है, बोले ले करके आओ, नाखून से थोड़ी मिट्टी हटाओ, अभी भी छेद है, चलो ले करके चलते हैं। जब सचमुच से ले करके आए ना, उन्होंने जब मिट्टी हटाया, देखा ठाकुर के नाक में छेद है, फिर उनको नाक में उन्होंने बेसर पहनाए। पहले ये गोपाल जी अकेले रहते थे, उनके पास में राधा रानी थी नहीं, अभी राधा के बगैर कृष्ण का कहाँ मन लगे,
कृष्ण सोच रहे पता नहीं मेरे को ले आई वृंदावन से, अकेले अकेले खड़े कर दिया, मेरे राधा तो है ही नहीं यहाँ पर, इसलिए अभी उनकी इच्छा है मेरे पास में मेरी राधा आ जाए। बोले आए कैसे? अभी वो जो पुजारी था ना जिसने उनको पूजा सेवा कर रहा था, अभी इनकी बेटी बन करके साक्षात राधा रानी इनकी बेटी बन करके आई। और ये क्या करते हैं ठाकुर जी, जब बेटी बड़ी हो गई ठाकुर जी के लिए सुंदर सुंदर फूल की माला पहनाती है, माला पहना कर माला बना करके ठाकुर जी को रोज देती है, हैं रोज ठाकुर जी को देती है फूल की माला, सुंदर सुंदर ठाकुर के लिए श्रृंगार बनाती है। और रात को जब ठाकुर को शयन कराते हैं ना, ठाकुर जी मंदिर में नहीं सोते, कहाँ पर? पुजारी का जो बेटी वो राधा रानी बन करके आई लक्ष्मी रूप में, अभी उनकी घर में आकर राधा जी के पास में कृष्ण सोते हैं। एक दिन क्या हुआ, ठाकुर जी थोड़ा ज़्यादा सो गए, हैं सो गए तो अभी मंदिर पास में ही ठाकुर जी का मंदिर, पुजारी के मंदिर पास, अभी पुजारी गए ठाकुर जी को पट खोलेंगे तो उन्होंने ऐसे ताली बजाए, ऐसे नियम है ना, ऐसे नियम नहीं, ठाकुर को छठ उसका पर्दा खोल देना नहीं चाहिए, क्योंकि पता नहीं ठाकुर जी अंदर में क्या करते होंगे। तब उन्होंने ताली बजाई तीन बार, जब ताली बजाई और बेल बजाए, ठाकुर तो सो रहे थे उनको बेटी को पास में, इतने में ठाकुर जी का नींद खुल गई। बोले अभी मैं तो मंदिर में है, अभी तो मैं सो रहा हूँ बेटी को पास में। इतने में ठाकुर जल्दी जल्दी उठे, अब ठाकुर का जो प्यार में नुपुर जो बंसुरी थी, ये दोनों ही ठाकुर छोड़ करके चले गए। पुजारी दरवाजा खोला, देखा ठाकुर जी के हाथ में बंसुरी नहीं, सोने की और प्यार में सोने की नुपुर नहीं, तो उन्होंने भला मचा दिया, ठाकुर की सोने की नुपुर बंसुरी कहीं चोरी हो गई। भले राजा को पास में खबर गया, ऐसे ऐसे राजा सीआईडी लगा दिया, देखो कहाँ है। ढूंढते ढूंढते पुजारी की जो बेटी के घर में वो दो चीज मिली, राजा को तो बड़ा क्रोध आया, बोले दुष्ट पुजारी खुद लेकर के अपना बेटी को दे दी है, और यहाँ हल्ला मचा दी कि अब ठाकुर की चरण की नुपुर सोने की बंसी चोरी हो गई, उसे तो जेल में बंद कर दो। अभी जेल में बंद कर दिया उसको, अभी ठाकुर जी सोच रहे मेरे ससुर साहब को जेल में बंद कर दिया, हाँ मैं तो लीला की और मेरे ससुर जी जेल में चले गए मेरे ससुर जी। इतने में ठाकुर जी राजा को स्वप्न दिया, बोले महाराज आप मेरे को अकेले खड़े कर दिए हो, मेरा मन नहीं लगता है अकेले अकेले, और जब मेरे राधा जी के अंश में पुजारी की बेटी ने जन्म ग्रहण की है, इसलिए मैं रोज जा करके वहीं में विश्राम करता हूँ वहीं पर, इसलिए मेरे पास में राधा रानी को स्थापन करो, नहीं तो मैं यहाँ नहीं रहूँगा, फिर वृंदावन चला जाऊँगा। राजा को स्वप्न दिया, स्वप्न दिया तो फिर राजा ने बड़ी सुंदरी हैं बड़े अष्टधातु में उन्होंने राधा रानी को बनाया। आप कभी साखी गोपाल कभी जाओगे, कौन कौन साखी गोपाल दर्शन किए हो, साखी गोपाल कौन कौन, हाँ देखना जैसे साखी गोपाल है, और यहीं पर श्री राधा रानी इधर खड़ी रहती हैं। इसलिए कहते ठाकुर जी जो ये विग्रह रूप में क्यों आए हैं, कारण क्या? बोले कारण है हमारी सेवाओं को ग्रहण करने के लिए ठाकुर जी यहाँ पर विग्रह रूप में आए। अगर हम हृदय से ठाकुर को सेवा पूजा करें, उनको हृदय से सेवा पूजा करें ना, ठाकुर जी तुम्हारे साथ में ठाकुर जी बात करेंगे और तुम्हें जो कुछ चाहिए ना तुमको मांगते रहेंगे। देखो इसमें नमक कम हो गया, इसमें ज़्यादा मीठा हो गया, इसको ऐसे खिलाओ, ठाकुर जी हमारे साथ में बात करेंगे, ठाकुर जी सब कुछ बोलेंगे, लेकिन हमें ऐसे भक्त बनना हमें पड़ेगा, तब ठाकुर जी हमारे साथ में सब कुछ ठाकुर जी व्यवहार करेंगे। देखो और एक घटना सुनो, बोले एक समय जो सेना के जो अध्यक्ष होता ना, जो एक ब्रिगेडियर था, एक बार क्या हुआ, प्लेन में जा रहा था, जाते जाते समुद्र के बीच में प्लेन में आग लग गई, आग लग गई तो उसने देखा और तो बचने का कोई सवाल है, मरने वाला, लेकिन वो ठाकुर को बहुत मानता था, उसने उसी समय में सोचा अगर इसी समय अगर कोई रक्षा कर सकते हैं ना, ठाकुर के सिवाय और हमें कोई रक्षा नहीं कर सकता है, ठाकुर के सिवाय अभी कौन रक्षा करेगा, प्लेन में तो आग लग गई, सब तो मरने वाले हैं, यहाँ पर कोई छलांग लगाने का भी समुद्र बीच में कहाँ क्या करेगी। उसने केवल ठाकुर जी को स्मरण करते हुए उसने इतना ही स्मरण किया, उसको चार दिन के बाद उसकी होश आया तो देखा वो हॉस्पिटल में, तब उसने पूछा भैया मेरी संगी सब कहाँ गए, बोले कोई नहीं सब मर गए, बोले मैंने कैसे मिला,
बोले तुमने किसी तरह से मिला, तुमको उठा करके लाए। चार दिन बाद होश आए। अभी ये सोच रहा है मेरे संगी मर गए, मैं कैसे चिंता रह गया। उसको याद आया मरते समय मैंने ठाकुर जी को स्मरण किया था, ठाकुर जी तेरे सिवाय और यहाँ पर कोई बचाने वाले है नहीं, तू ही केवल बचा सकते हो। इसलिए किसकी कृपा से मैंने बचा है, ठाकुर जी की कृपा से मैंने बच गया है। उसने क्या किया, जब ठाकुर ने जीवन दिया है और ये जीवन को नौकरी में नहीं देना, उन्हें नौकरी से रिजाइन दे दिया और उन्होंने वृंदावन में आए आकर के जो जुगल सरकार है ना राधा कृष्ण की, जुगल जोड़ी को उन्होंने खरीद लिया। खरीदी करके उनको स्थापन किया, उनको बड़े सुंदर श्रृंगार किया। श्रृंगार करते हुए उन्होंने ठाकुर जी को रोज सुंदर सुंदर कीर्तन गाते हैं, ठाकुर जी को झूला में रोज झुलाते हैं। बोले राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवन मारणी गाती हार नाही मोर, काले तेर फूल खेली कदमेर बना, रतन बेदीर ऊपर बसब दुजना, श्याम गौरी अंग दिव द्वार चंदनी रगंध, चामर गुलाब कवे हरि बहुत चंद्र, कांति आमल तीर माला दिव दुहार, काले अधरे तुलिया दिव कर्पूर तमोले। बड़े सुंदर सुंदर भजन गाते हैं और ठाकुर जी को झूला में, ठाकुर जी को झूला में झूलाते हैं। अभी क्या हुआ, ठंडी का समय था, ठंडी का समय था तो अभी क्या किया जाए। एक दिन कोई जल्दीबाजी से, ध्यान देकर सुनो, एक बार वो जल्दीबाजी से ठाकुर को जल्दी जल्दी ठंडी का समय मेरे सहन दिया और चला गया अपना काम। जब चला गया अपना काम में, लेकिन ठंडी का समय में ठाकुर को रजाई ओढ़ानी चाहिए और ठाकुर का जो दरवाज़ा खिड़की वो भी खुला रह गया। जल्दीबाजी किसी काम में चले गए, जब चले गए जब उनके थोड़ी सी नींद आई ना, रात को सपना आया, बोले तुमने मेरे को रजाई नहीं उड़ाई और तुमने जानला खोल कर चला गया, उधर से ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मेरे को ठंडी लग रहा है, मेरे को नींद नहीं आ रही है, मेरे को रजाई उड़ा करके दरवाज़ा खिड़की बंद कर ले जाओ। रात को स्वप्न हुई तो उनको पट उनका आँख खुल गई। बोले क्या सचमुच से मैंने ठाकुर को दरवाज़ा बंद नहीं किया और ठाकुर को मैंने रजाई नहीं उड़ा। उन्होंने उठ करके दरवाज़ा खोल के जब अंदर में गए ना, देखा सचमुच से वो खिड़की खुला हुआ है और ठाकुर को रजाई सचमुच से जल्दीबाजी से ठाकुर को रजाई उड़ा नहीं पाए। और रोने लग गया, बोले ठाकुर जी आपको भी ठंडी लगती है, हैं आपको भी ठंडी लगती है। इसलिए नियम है, हमारे रूप गोस्वामी कहते हैं ठाकुर को सेवा कैसे करनी चाहिए। बोले आत्मवत मतलब जैसे हम ठंडी का समय में गर्मी कपड़ा पहनते हैं, गर्मी का समय में गर्मी कपड़ा पहनते हैं, ठंडी का समय थोड़ी सी गर्मी पानी में नहाते हैं, हैं जैसे ठंडी का समय हमें जो चीज़ें अच्छी लगती हैं गर्मी गर्मी ठंडी का चीज़ में खाते हैं, उसी तरह ठाकुर को भी ठीक ऐसे ही ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। हैं अगर ठाकुर को ऐसे सेवा करोगे ना, वाह, ठाकुर अगर खुश रहे तुम भी खुश रहो, अगर भगवान खुश रहे ना अपने आप तुम खुश रहोगे, अगर भगवान अगर खुश नहीं तुम खुश नहीं हो। ऐसे नहीं दिन में तीन बार तो खुद कपड़ा बदलाते हैं, ठाकुर को तीन दिन दस दिन से एक कपड़ा पहन करके ठाकुर बैठे। जिसने तुम्हें सब कुछ दिया, जिसने तुम्हें सब कुछ दे दिया वो तो वैसे बैठे हुए हैं, और जिसने हैं और हम स्वयं दिन में दो तीन बार कपड़ा बदलाते हैं, स्नान करते हैं, लेकिन ठाकुर का तरफ में कोई ध्यान नहीं ठाकुर का तरफ में। इसलिए ठाकुर जी को आत्मवत अपना जैसे ठाकुर को वैसे सेवा करनी चाहिए। अगर ऐसे सेवा करेंगे ना, फिर ठाकुर जी हमारे साथ में बात करेंगे, बोलेंगे, उठेंगे, सब कुछ ठाकुर जी करेंगे। इसलिए हमारे संप्रदाय में एक संत हुए,
जिनका नाम था लोकनाथ दास बाबा जी महाराज, और नरोत्तम दास ठाकुर जी के गुरु थे। जब उनने एक कुंड में जब उनने स्नान करने के लिए डुबकी लगाई ना, तो उनका हाथों में अपने आप एक सुंदर ठाकुर जी आए, उनका नाम था राधा विनोद। जब ठाकुर जी आए, ठाकुर जी निकलते ही कर देखो, बड़े दिनों से ये पानी में मैं पड़ा हुआ था, मेरे को भूख लग रहा है कि तू खाना खिलाओ, क्योंकि मेरे को कोई खिलाया नहीं है, ये कुंडे में मैं पड़ा हुआ था, मेरे को खाना खिलाओ। तब ने रोटी सब्जी फब्जी बनाए, ठाकुर को जो भोग लगाए, पहले बगैर चाटनी का आनंद आता था, चाटनी तो भोग लगाया करो, कोई खट्टा मीठा होनी चाहिए ना, खट्टा कोई चीज़। तो वो संत कहाँ से लाएंगे, फिर इमली का जो पत्ता को पीस करके हैं उसमें नमक दे करके उन्होंने चाटनी बनाई, ठाकुर को खिलाया, और ठाकुर जी पूरा पूरा खा लिए। खा करके बोले सुलाओगे नहीं, नींद आ रहा है, हाँ भोजन तो करा दिया, पानी के अंदर में था, सोया नहीं, नींद आ रहा है, थोड़ा सुलाओ। तो वो बाबा कहाँ से थोड़ा फूल फूल तोड़ तोड़ करके लाए, ला करके सज्जा बना दी, ठाकुर को सुला दी, बोले सो जाओ। बोले ऐसे नींद आती है, थोड़ा पंखा तो झुलाओ, गर्मी का समय है, गर्मी पता नहीं चल रहा, गर्मी का समय है, थोड़ा तो पंखा तो झुलाओ। उन्होंने थोड़ा पंखा झुलाए, अब बोले थोड़ा प्यार तो दबा दो, हाँ थोड़ा प्यार तो दबाओ। तब उन्होंने ठाकुर जी के प्यार दबाए, ठाकुर जी फिर चैन से ठाकुर जी सो गए। इसलिए ठाकुर जी है ना, अगर हमारे हृदय में प्रेम हो, जैसे मैया जसोदा, भगवान आत्मा राम अब तक काम पूर्ण है भगवान, लेकिन मैया की प्रेम में ऐसे बसीभूत हो जाते हैं, कृष्ण को मिनट मिनट में भूख लगता है, बोले मैया मेरे को मक्खन मिश्री खिला दे, रोटी मिश्री खिला दे, मक्खन मिश्री, भगवान को ही भूख लगती है, विश्व ब्रह्मांड को जो खिलाने वाले। लेकिन जब भक्तों के हृदय में ऐसे प्रेम की भावना आए, ठाकुर को भी भूख लग जाती है, ठाकुर जी को भूख लग जाती है, हैं? इसलिए ठाकुर जी को, इसलिए ठाकुर जी ये विग्रह रूप में आने का कारण यही है, केवल हमारी सेवाओं को ग्रहण करते हुए हमको धन्य बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने सोचने लग जाए हम नहीं खिलाएंगे तो ठाकुर जी कहाँ से खाएंगे, ठाकुर जी भूखे रह जाएंगे, नहीं, ठाकुर जी का अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड उनकी है, कितने लक्ष्मी कहाँ कहाँ प्रभु की सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी की वो कहाँ कहाँ सेवा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सेवा करेंगे तो ठाकुर जी हमारी कल्याण है, किसका कल्याण है, अपना कल्याण, अपना ही उद्धार होगा। भगवान किस चीज़ की, भगवान की कभी नहीं, भगवान का अनंत वैकुंठ, अनंत लक्ष्मी, अनंत उनकी सेविका हैं। इसलिए ठाकुर को सेवा करेंगे तो अपना ही कल्याण होगा। एक उदाहरण देते हैं, आप लोग श्रृंगार करके शीशा को सामने खड़ी होती ना, जो शीशा को सामने जब अपना शरीर को हम श्रृंगार करते हैं, अपना शरीर को अच्छे तरह से श्रृंगार कर लो, देखना जो परछाई है ना, ये परछाई को श्रृंगार करने का कोई ज़रूरत नहीं, जैसे शरीर को सजाओगे परछाई भी वैसे सज जाएगी, है ना। कर उसी तरह जब हम ठाकुर जी को बड़े प्रेम से खिलाएंगे, ठाकुर जी को बड़े प्यार से ठाकुर जी को खिलाओगे, ठाकुर जी को श्रृंगार करोगे ना, तुम अपने आप सज जाओगे, अपना शरीर को ज़्यादा सजाने का जरूरत नहीं। कोशिश करो जितना हम हमारे अंदर में आर्ट है, सब के सब ठाकुर जी को हम कैसे सुंदर से श्रृंगार करें, ठाकुर जी को कपड़ा पहनाएं, ठाकुर जी को भोग लगाएं, ठाकुर कैसे खुश रहो, आज ठाकुर जी खुश हो गए तो हम अपने आप संसार में अपने आप खुश हो जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपना को अपना परिवार को खुश रखना चाहते हैं, लेकिन ठाकुर जी के लिए कुछ कुछ करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। इसलिए सब के सब ठाकुर जी की सेवा करो, ठाकुर जी की पूजा करो, ठाकुर जी को सुंदर रूप में ठाकुर को सजाओ, बस ठाकुर सजेंगे तो हम अपने आप ही सज जाएंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, नवीन प्रभु अब फिर कुछ बोले, बोलो मत मध्य में जाकर ये मंत्र बढ़िया कहो ना, चरण तुलसी दे तो आ जाओ अंदर में, अब थोड़ी सी बोलना। ओम अज्ञानतिमिरान्तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय आराधिकायाप्यात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायण गोस्वामिपादे सर्वसम्यक् गुरुदेव नित्यलीलाप्रविष्टौ विष्णुपादस्तुत श्री श्री श्रीमद् भक्तिवेदान्तनारायण गोस्वामी महाराज की चरण सेवा जो है अनंत कोटि लोक व्याप्त करता हूँ। तत्पश्चात
ब्रजवासी हमारे पंडाल प्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम और समस्त ब्रह्मचारियों के चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम करते हुए उपस्थित वैष्णव वैष्णवों के चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम है। आज हमारे मठ में महान उत्सव मनाया जा रहा है। ये महोत्सव जो है स्वर्ग में भी नजर नहीं आते, जिसके लिए देवी देवता भी ललायित रहते। चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य आज हमारे यहाँ हुआ है, इसीलिए ये महान से भी महान उत्सव है, क्योंकि हम चैतन्य महाप्रभु की धारा में। बोलो चैतन्य महाप्रभु की जय। इतना बड़ा उत्सव और इतनी सी हल्की सी जय, जयकार लो ढंग से, बोलो महाप्रभु की जय। मजा नहीं आया, चिराग जोर से चैतन्य महाप्रभु की जय। अब लगा कुछ उत्सव हो रहा है। उत्सव तो उत्सव ही है, चाहे भूखे हो चाहे ना हो। अब तुम उत्सव की गरमा को भूख से नापोगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। बिना उत्साह के उत्सव नहीं होता। और चैतन्य महाप्रभु जहां है वह नित्य उत्सव, और चैतन्य महाप्रभु की धारा में इतना उच्च कोटि का महाप्रसाद वितरण होता है, आप सब देखते ही। हमारे डोरीलाल प्रभु जो है कहते नहीं थकते कि मथुरा में जब हमारे गुरुदेव ने वहां प्रचार शुरू किया तो कुछ मथुरावासी तो गुरुदेव के आश्रित हुए और कुछ मथुरावासी अन्य किसी साधुओं के आश्रित हुए। तो आपस में बात करते हैं, चर्चा होती है, अरे तने कहां से ली दीक्षा? वो कहता मैं तो अमुक लंबी दाढ़ी वाला बाबा, घुंघराले वाले बाबा के यहाँ दीक्षा ली। अरे जा कहां ले ली तने दीक्षा, यहाँ लेता गोड़िया मठ में दीक्षा, क्या चकाचक यहाँ पर प्रसाद मिलता है, रबड़ी लड्डू पेठा इत्यादि 56 भोग निरंतर चलते रहते हैं। वहां क्या मिलेगा? लड्डू पूड़ी आलू की सब्जी बस, और यहाँ 56 भोग है, यहाँ लेनी चाहिए दीक्षा। तो महाप्रभु की धारा में 56 भोग निरंतर है, इसीलिए यदि आप भूखे हैं तो उस भूख को और बढ़ने दो और इतना महाप्रसाद मिलेगा अभी दोपहर में भी और शाम को भी। बोलो चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु यहां क्यों आए ये हमें जानना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, राधा कृष्ण का मिलित रूप है। चैतन्य महाप्रभु यहां आने का कारण भगवान श्री कृष्ण जब निकुंज सेवा करते हैं, रास लीला में भी जब राधा रानी मान गड़ जाती है, मान मतलब होता रूठ जाती है, तो ठाकुर जी देखते हैं कई बार मिलन में भी किसी ने यदि थोड़ा सा भी कह दिया कि मधुसूदन चले गए तो ये हटात एकदम जो है चेतना अवस्था को भूल जाती हैं और बेहोशी अवस्था में चली जाती है राधा रानी। ठाकुर जी की गोद में अंग में रहते हुए भी यदि ऐसा कुछ श्रवण कर लिया तो राधा रानी उनके संग रहते भी इतना विरह को सहन नहीं कर पाती कि मधुसूदन या ठाकुर जी चले गए। तो ये सब देख करके कि मेरे यहां होते हुए भी ये राधा को क्या हो जाता है, ये मूर्छित हो जाती है, मेरे सामने रहने पर भी जिसके लिए बड़े बड़े योगी करोड़ों करोड़ों युगों से करोड़ों करोड़ों वर्षों तक तपस्याएं करते हैं मेरे चरण कमल की प्राप्ति हेतु, और ये राधा रानी के सम्मुख मैं होता तो भी ये मूर्छा को प्राप्त हो जाती है, ये क्या है? इस महाभाव को जानने की उत्सुकता भगवान श्री कृष्ण के हृदय में हुई। कहा कि राधा रानी को जो वो मेरा विरह सताता है वो मुझे जानना है, और राधा रानी मेरे दर्शन के लिए इतना महान उत्सुकता प्रदान करती हैं कि समस्त प्रकार की जो खुशियां हैं, समस्त प्रकार की जो आनंद हैं, वो
मेरे मुखारविंद को देख करके उनको प्राप्त होता है। उस मुखारविंद का दर्शन कैसा है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की मधुरिमा, मेरी मधुरिमा कैसी है, और ये राधा रानी को अत्यंत प्रिय क्यों है, इस जानने के लिए उन्होंने सोचा कि मैं कभी इसी प्रकार का भाव लेकर के, राधा रानी का भाव लेकर के एक जन्म ऐसा व्यतीत करूं कि इस संसार में मृत्यु लोक में उस भाव को जिसमें मेरी मधुरिमा और राधा रानी का जो महाभाव है उसको मैं जान सकूं। तो इस हेतु चैतन्य महाप्रभु, आप सुबह सुबह रोज महाराज जी से सुन नहीं आ रहे चैतन्य महाप्रभु की सुंदर सुंदर कथा, जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का मिलित रूप ये नवदीप में आज से 532 वर्ष पूर्व नवदीप धाम में जगन्नाथ मिश्र और शची मैया को अंगीकार करके ये प्रकट हुए, जन्म लीला हुई। बोलो चैतन्य महाप्रभु की जय। क्योंकि राधा रानी का इन्होंने हृदय भाव लिया हुआ है, राधा रानी की अंग कांति ली हुई है, अंदर से कृष्ण बाहर से राधा, ये चैतन्य महाप्रभु है। चैतन्य महाप्रभु क्योंकि इनके अंदर राधा रानी का भाव है इसीलिए करुणा में है, और इनसे बढ़कर कोई करुणा बरसाने वाला ना कोई अवतार हुआ, ना स्वयं कृष्ण और राम तक भी इतने बड़े करुणा और माधुर्य प्रदान करने वाले नहीं हुए। इसीलिए हम मंत्र पढ़ते हैं, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। मतलब इनसे बढ़कर प्रेम प्रदाता ना कोई हुआ है, ना इनसे आगे कोई हो सकता है। ये पुनः जब आएंगे तब तो यही होंगे, इनके बराबर या इनसे बढ़कर तो कोई हो ही नहीं सकता। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु आज हमारे इस गौड़े मठ में प्रकट हुए, इनके लिए जोरदार हरि बोल बोलेंगे, चैतन्य महाप्रभु की जय। मजा नहीं आया, चैतन्य महाप्रभु की जय। हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है, चैतन्य महाप्रभु साक्षात आज हमारे यहाँ पर पुनः प्रकट हुए। काफी समय से कोरोना काल में हम सब मंदिर नहीं आ पा रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु ने कहा चिंता मत करो भक्तों, मैं आ रहा हूँ, और मेरे आश्रम में तुम रहोगे, गुरुदेव के आश्रम में रहोगे, तो निश्चित तौर से कोई कोरोना नहीं, कोई कुछ नहीं, सब आनंद में रहोगे। अभी महाराज जी ने बताया इस श्री विग्रह के बारे में, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई। ऐसे ही एक कथा मुझे थोड़ी सी स्मरण हो रही है, हमारे बड़े गुरुदेव भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज, महान सिद्ध पुरुष, हमारे गुरुदेव महान सिद्ध गुरुदेव, शिक्षा गुरुदेव, महान गुरुदेव, शिक्षा गुरुदेव की जय। ये गुरु परंपरा ऐसी है कि इसमें हमें कुछ नहीं करना, मैंने बताया था ना, ये नौका के समान है, इस नौका में जाकर बस बैठना है, और जो हमारे गुरु हैं वो सक्षम है उस नौका को इस भवसागर से पार कराने में। वो ऐसे केवट हैं जो बिल्कुल निपुण हैं, अगर महा तूफान भी आ गया उसमें भी हमें पूर्ण भरोसा है कि उस तूफान से भी बचाते हुए इस भवसागर से पार करा देंगे। श्री गुरुदेव की गुरु परंपरा की। तो ऐसे महान संत हुए भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज। एक बार हमारे गुरुदेव भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के साथ ये उड़ीसा में पुरी धाम में थे, रात्रि में शयन किया, रात्रि में स्वप्न हुआ भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी को, साक्षात राधा रानी ने दर्शन दिए। राधा रानी ने कहा, हे भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी जी, मेरे वस्त्र में एक छेद हो गया और ठाकुर जी के भी वस्त्र पुराने हो चुके हैं, कृपा करके नए वस्त्र जो है हमें पहनाए जाए। इतना सुन के हड़बड़ाहट देख करके खड़े हुए गुरुदेव, बड़े गुरुदेव खड़े हुए, और कहाँ अब नींद, अब तो उठकर बस चिंतन करने लगे कि कब भोर हो, कब मैं पहुँचूँ गोपीनाथ मंदिर में। ये गोपीनाथ मंदिर का उनको जो है पूरा स्वप्न हुआ। तो सुबह सुबह
हमारे गुरुदेव को उन्होंने आवाज लगाई और कहा जल्दी से जल्दी नए वस्त्र लेकर आओ। और उन्होंने दो चार ब्रह्मचारी को बाजार बेच करके अच्छे अच्छे बहुत ही मूल्यवान वस्त्र उनको मंगाया। सुबह सुबह बिना कुछ खाए पिए दोनों महान संत और कुछ ब्रह्मचारी गोपीनाथ मंदिर पहुंचे और वहां जाकर के उन्होंने वह बात बताई कि वस्त्र राधा रानी के लिए लाए हैं और ये हम चाहते हैं कि इनका श्रृंगार इनसे हो, ठाकुर जी का श्रृंगार इन वस्त्रों से। जो पुजारी जी बड़े आनंदित हुए और उन्होंने सुंदर तरीके से श्रृंगार किया, पुराने वस्त्रों को गुरु महाराज को प्रदान किया तो उनको देखा तो सच में ही वो फटा हुआ था। तो ये सिद्ध पुरुषों की हमारी परंपरा है। भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज ने ये जो बात बताई थी गोपनीय बात हमारे गुरुदेव को बताई और ये भी कहा किसी से बताना नहीं, लेकिन गुरुदेव ने अपने सब अंतरंगा भक्तों को बताई। क्यों? क्योंकि अगर ये सारी बात गोपनीय ही रह जाएंगी तो हम भक्ति में आगे कैसे बढ़ेंगे। इसीलिए महापुरुष सिद्ध पुरुष कभी भी अपना अनुभव सबको नहीं बताते, लेकिन जो अंतरंग भक्त होते हैं, अंतरंग साथी होते हैं, उनको जरूर बताते हैं, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को भी थोड़ा थोड़ा इसका रस आस्वादन होता रहे। ठीक है, तो आज अब हवन करेंगे क्योंकि समय भी विलंब हो गया। कल हमारे एक उड़ीसा से ब्रह्मचारी हैं, उनको बंदर लंगूर ने काट लिया, इस वजह से सारे ब्रह्मचारी रात भर सो नहीं पाए, इस वजह से थोड़ा लेट हो गए हैं। और अब हवन होगा और हवन के बाद आपके लिए कुछ प्रसाद ठाकुर जी को भोग लगा के और उसके उपरांत शाम को सुंदर महाप्रसाद की व्यवस्था है, गिरिराज महोत्सव। ठीक है, वांछा कल्प दृष्ट कृपा सिंधु पति नाम पावने भी वैष्णव स्वस्ति वाचन कर ना स्वस्ति वाचन कर दे तब मैं आपको स्वस्ति वाचन कर दे तब से पढ़ो अन्य काम करते हैं। हाँ आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलो बोलो कृष्णा करतो कल्याणम कंस कुंजर केसरी कालिंदी जल कल्लोल कोलाहल कुतूहल माधव 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 बाची माधव 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 बाची माधव माधव स्मरन्ति साधवा सर्वे सर्वकार्येषु माधवं लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभव जयसाम इंदिवर श्याम हृदयस्थो जनार्दन मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदन मंगलम मंगलायतन हरि विष्णु उच्चारण मात्रेण कृष्णस्य स्मरणाधरे सर्व विघ्नानि नश्यन्ति मंगलम स्यात् न संशय सत्यम कलियुग विप्रे श्री हरेर नामानु कीर्तनम हरे नामानु मंगलम परम स्वस्तयनम नृणम नास्तेव गतिरन्यथा पुंडरीकाक्ष
गोविंद माधवादि सय स्मरे तस्य स्यात् मंगलम सर्व कर्मादो विघ्ननाशनम। ओम स्वस्ति न गोविंद, स्वस्ति न अच्युतानंद, स्वस्ति न वासुदेव विष्णु दधातो, स्वस्ति न नारायण नरवै, स्वस्ति न पद्मनाभ पुरुषोत्तम दधातो, स्वस्ति न विश्वक्षेन विश्वेश्वर, स्वस्ति न ऋषिकेश हरिन् दधातो, स्वस्ति न स्वस्ति न अंजनासुत हनुर्भागवत दधातो, स्वस्ति स्वस्ति सुमंगलैकेश महान श्रीकृष्ण सच्चिदानंद घन सर्वेश्वरेश्वर दधातो। हाँ सबके सब दे दो अब हाथ जो ये ना सबके सब जगह धन देना। एक साइड में दे देना ठीक है। हाँ फटाफट दे दो और मेरे पीछे पीछे फिर बोलो मेरे पीछे पीछे बोले ओम जन ब्रह्मा वेदांत विदो बदंती परे प्रधानम पुरुषम तथान्ये विश्वद्गते कारणम ईश्वरम बतस्मै नमो विघ्न विनाशाय। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयो दिविव चक्षुरातम। कत्करतु स्वस्ति में कृष्ण सर्वलोके स्वरेश्वर कृष्ण दयस्स स्वस्ति में लोकपावन। ओम श्री विष्णु स्मरणम कुर्यात् तत् ओम विष्णु तत्सत् अद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वताख्य मन्नंतरे अष्टाविंशतौ कलियुगस्य प्रथम संध्यायां ब्रह्म विसंतौ वर्तमानायां पांशुपति गौरास्ते। ये उत्तरायण है ना पूर्वायन कौन सा अन्य कहते हैं उत्तरायणी शुभ संवत्सरे ये कौन सा ऋतु है शीतल ऋतु और ये महीना का नाम पुरुषोत्तम। हाँ पुरुषोत्तम थे पुरुषोत्तम महीना आश्विन मासी पुरुषोत्तम महीने आज पक्ष कौन सा है कृष्ण पक्ष राशि स्थित भास्कर आज कौन सा तिथि है शुक्रवार चतुर्दशी तिथि आज बार कौन सा शुक्रवार नितायाम रोहिणी नक्षत्र संयुक्तायाम श्री चंद्रमसी मथुरा धाम स्थिते जम्बुदीपे भारतखंडे मेधिभूतस्य सुमेरु दक्षिण लवार्णवे। हाँ ये जमुना कौन सा कोण में यहाँ पुन्ना भू प्रदेशे हैं अपना अपना नाम लो और अपना अपना गोत्र अगर कोई गोत्र नहीं हो तो बोल दो हम अच्युत गोत्र अपना नाम और अच्युत गोत्र। कृष्णदासस्य वैष्णव होम करणाय और ठाकुर प्रतिष्ठा करणाय सर्वदोष उपशमनाय सर्वग्रह उपशमनाय शांति लाभार्थे अहम करिसे। ओम प्रजापति श्री विष्णु देवता श्री राधा कृष्ण स्मरणम अहम स्मरणम पूर्वकम जथा जथ ब्रह्म कर्म पुरहित ओम जथा जथा अहम करिसे।
तुलसी वृंदावन बिहारी लाल सचनंदन गौर हरि की पिताई गौर ब्रह्मानंद हरि हरि बोल हरे कृष्णा। अब लोग बैठ जा सके बैठ जा चेयर लेकर चेयर लेकर अमावस्या लग गई महाराज अमावस्या आज ठीक है तब इधर कॉर्ड किस कॉर्ड पूरा दे देता है तब इधर किस कॉर्ड पूरा दे देता है तालियों हरे कृष्ण तो बेसिकर दे देता है हरे कृष्ण अग्नि ना कर समुद्र भवन हो अग्नि समुद्र भवन थोड़ा बीच बीच घुमा घूम घुमा देना स्वाहा स्वाहा प्रजापति विष्णु से गायत्री संदेश विष्णु
ओम प्रजापति गायत्री छंद से विष्णु ओम सूर्य चक्रमादित्य ओम अज्ञाता यज्ञस्य क्रियते मिथु विष्णु तदस्य संकल्पतोम हि रेक यथा यथम स्वाहा विष्णु देवता स्वाहा तन्मे विश्वजाता परिता बभुवः यत् काम्याः ते युगमः तत् नवन्तं वयं श्यामपदयो नरिणां स्वाहा स्वाहा ओम प्रजापति विष्णु ऋषि गायत्री छंद श्री विष्णु देवता व्यस्त समस्त महाभवति ओम विनियोग ओम भूव स्वाहा ओम प्रजापति विष्णु ऋषि उष्णी उष्णी छंद श्री अच्युत देवता व्यस्त समस्त महाभवति विनियोग ओम भूव स्वाहा ओम प्रजापति विष्णु ऋषि अनुष्णु छंद श्री नारायण देवता व्यस्त समस्त महाभवति ओम विनियोग ओम स्वाहा ओम प्रजापति विष्णु ऋषि बृहति छंद श्री मदन श्री मदनंत देवता व्यस्त समस्त महाभवति में विनियोग ओम भूव स्वाहा ओम भूव स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम प्रजापति विष्णु ऋषि गायत्री छंद श्री विष्णु देवता उपनयन ओम विनियोग ओम विष्णु व्रत व्रतम चलिष्यामि तत्ते ब्रह्मेति तत् संकेतम तेन रहस्यम तेन अख्यायम इदम अहम निरंतरम सत्यम उपमि स्वाहा प्रजापति विष्णु ऋषि ओम उष्णी छंद श्री अच्युत देवता श्री उपनयन विनियोग ओम अच्युत व्रतपते ओम चलिष्यामि तत् ते प्रभृमे तत् संकेयम तेन आख्यायम इदम अहम अनृतम सत्यम उपहसि ओम स्वाहा ओम प्रजापति विष्णु ऋषि अनुष्टुप छंद श्री नारायण देवता उपनयन विनियोग ओम नारायण व्रतपते व्रतम चलिष्यामि तत् ते प्रभृमे तत् संकेयम तेन आख्यायम इदम अहम अनृतम सत्यम उपमि स्वाहा ओम प्रजापति
ओम प्रजापति विष्णु शिवानंद देवता श्री उपनयन भूमियोग ओम अनंत प्रताप व्रतम चलिष्यामि तत्ते प्रकरण तत्संकेयम तेन अख्यायम इदम अहम अनेतां सत्यम भूमि ओम स्वाहा। ओम प्रजापति विष्णु ऋषि पंक्तिम छंद श्री संकर्षण देवता उपनयन भूमियोग ओम संकर्षण व्रतम प्रताप व्रतम चलिष्यामि तत्ते प्रकरण तत्संकेयम तेन अख्यायम इदम अहम अनेतां सत्यम भूमि स्वाहा। राधे श्याम भवन गोपाल की हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, स्वाहा, ओम चमस्वाहा,
ओम कपिलनाय स्वाहा ओम नारदाय स्वाहा ओम कपिलाय स्वाहा ओम यम भगवताय स्वाहा ओम विष्णु देवाय स्वाहा ओम सुखदेवाय स्वाहा ओम जनकाय स्वाहा ओम सदानंदाय स्वाहा ओम प्रह्लादाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम बलिराजाय स्वाहा ओम स्वायंभुवाय स्वाहा ओम गरुडाय स्वाहा ओम हनुमतये स्वाहा ओम अंतरिक्षाय स्वाहा ओम व्यासदेवाय स्वाहा ओम उद्धवाय स्वाहा ओम युधिष्ठिराय स्वाहा ओम भीमाय स्वाहा ओम अर्जुनाय स्वाहा ओम नकुलाय स्वाहा ओम सहदेवाय स्वाहा ओम विदुराय स्वाहा ओम विष्णुराताय स्वाहा ओम दीक्षिताय स्वाहा ओम श्रीकृष्ण चैतन्याय स्वाहा ओम नित्यानंदाय स्वाहा ओम सड़ग स्वामी स्वाहा ओम श्री दीक्षा गुरु स्वाहा ओम श्री शिक्षा गुरु स्वाहा ओम श्री नवदीप धाम स्वाहा श्री मायापुर जी को बिठाए स्वाहा कृष्ण के सीता हम करेंगे स्वाहा स्वाहा ओम पूर्णमासी स्वाहा ओम पद्माये स्वाहा ओम लक्ष्माये स्वाहा ओम गंगाये स्वाहा ओम श्री तुलसी देवी स्वाहा ओम श्री पृथ्वी स्वाहा ओम श्री गवई स्वाहा ओम वसुदाये स्वाहा श्री देवभूते स्वाहा श्री देवकी स्वाहा रोहिणी स्वाहा श्री काली स्वाहा ओम द्रौपदी स्वाहा अदिते स्वाहा ओम रुक्मिणी स्वाहा ओम सत्यभामाये स्वाहा ओम जम्बवती स्वाहा ओम नागनजिते स्वाहा ओम दक्षिणाये स्वाहा ओम कालिंदे स्वाहा ओम भद्रे स्वाहा मकरविंद्याये स्वाहा श्रीदाम्ने स्वाहा श्रीदाम्ने स्वाहा ओम अपस्तोभ कृष्णाये स्वाहा ओम लवंगाये स्वाहा अर्जुनाये स्वाहा ऊपर मत ऊपर मत देख रहा घुस जाएगा नहीं साइड साइड ओम अर्जुनाये स्वाहा अब मत दो समीदार रुक जाओ आप ये थोड़ा सा जल जाने हैं ओम विशालाय स्वाहा ओम सुरलाय स्वाहा ओम श्री रामाय स्वाहा श्री कृष्णाय स्वाहा ओम नर्म सखिभ्य स्वाहा ओम प्रिय नर्म सखिभ्य स्वाहा ओम सहचरिभ्य स्वाहा ओम सर्वगोपालेभ्य स्वाहा ओम नंदाय स्वाहा उपनंदाय स्वाहा सुनंदाय स्वाहा महानंदाय स्वाहा ओम शुभानंदाय स्वाहा ओम श्री प्राणानंदाय स्वाहा ओम सदानंदाय स्वाहा ओम गुरवे स्वाहा सर्वेभ्य महंतो गुरुभ्य स्वाहा ओम चैतगुरवे स्वाहा ओम पार्श्वभानवे स्वाहा ओम श्री वासवभानवे गांधर्वके स्वाहा ओम कार्तिक देवी स्वाहा ओम कृष्ण प्रिय स्वाहा सर्वेश्वरेश्वरी क्लीं श्री वृंदावन सेवाधिकार पद श्री क्लीं तुभ्यं श्री राधिकाय स्वाहा ओम कृष्ण वै सचिदानंद कृष्ण आदि पुरुष कृष्ण पुरुषोत्तम कृष्ण हाहु कर्मादि मूल कृष्ण सह सर्वेभ्य कार्य कृष्ण कासम खादादि सम्मुखम प्रभु पूज्य कृष्ण अनादि तस्मिन् जन्मवै बाह्य मित्र यन मंगलम तद् लभते कृतिं क्लीं कृष्णाय स्वाहा ओम ललिताय स्वाहा ओम श्यामलाय स्वाहा ओम विशाखाय स्वाहा ओम चंडवलत्याय स्वाहा ओम इंदुलेखाय स्वाहा ओम सुदेव्यै स्वाहा ओम रंगदेव्यै स्वाहा ओम सुचित्राय स्वाहा ओम विद्याय स्वाहा ओम श्री धन्याय स्वाहा ओम मंगलाय स्वाहा पद्माय स्वाहा बाय स्वाहा भद्राय स्वाहा ओम चित्रोत्पलाय स्वाहा पाल्यै स्वाहा ओम ताराये स्वाहा ओम कुंजगलिकाये स्वाहा निकुंजगलिकाये स्वाहा सुखगलिकाये स्वाहा रसगलिकाये स्वाहा सुप्रमदाये स्वाहा ओम श्री धनिष्ठाय स्वाहा ओम श्री तुलसी स्वाहा ओम रम्याय स्वाहा ओम रम्याय स्वाहा ओम बिंबष्ठाय स्वाहा ओम रसदाय स्वाहा ओम आनंदाय स्वाहा ओम करावत्ये स्वाहा ओम रूपमंजर्ये स्वाहा मनंगमंजर्ये स्वाहा ओम रसमंजर्ये स्वाहा ओम लवंगमंजर्ये स्वाहा स्वाहा गुणमंजरी स्वाहा अमृतिमंजरी स्वाहा कर्पूरमंजरी स्वाहा ओम सर्वसखिभ्य स्वाहा ओम सर्वसहचरिभ्य स्वाहा ओम सर्वसंगिनी
ओम श्री सर्वरंगिणीभ्यो स्वाहा ओम प्रसवानुभ्यो स्वाहा ओम प्रसवानुगणेभ्यो स्वाहा ओम कीर्तिदायी स्वाहा ओम सर्वकारिष्णेभ्यो स्वाहा ओम सर्ववैष्णवेभ्यो स्वाहा सर्ववैष्णवेभ्यो स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम कारणाधिष्ठाय स्वाहा ओम श्री गर्भदुःखसायिन स्वाहा ओम श्री क्षीरावधिसायिन स्वाहा वैकुंठधाम्ने स्वाहा वासुदेवाय स्वाहा ओम संकर्षणाय स्वाहा ओम प्रद्युम्नाय स्वाहा ओम निरुद्धाय स्वाहा ओम प्रदग्निरामय स्वाहा ओम बुधाय स्वाहा कल्किनेभ्यो स्वाहा सर्वेभ्यो गुणावताराय सर्वेभ्यो मन्वन्तराय स्वाहा हंसाय स्वाहा यज्ञनारायणाय स्वाहा यज्ञेश्वराय स्वाहा दत्तात्रेयाय स्वाहा पृथिव्यैः स्वाहा धन्वन्तराय स्वाहा ओम विराजे स्वाहा सत्ययुगावताराय शुभमूर्ताय स्वाहा त्रेतायुगावताराय रक्तमूर्तये स्वाहा द्वापरयुगावताराय कृष्णमूर्तये स्वाहा कलियुगावताराय पितामूर्तये स्वाहा ओम श्री वृंदावन धाम्ने स्वाहा वृंदावनाय वृंदावन द्वादश वृंदावनेभ्यः स्वाहा द्वादशतपोवनेभ्यः स्वाहा सपरिवार श्री श्री राधा कृष्णेभ्यः स्वाहा
जो हवन सामग्री है ना उसको साइड से हटा देना, ऊपर दे देना, रुक जाएगी। हरि ऊपर प्रभु जी उसको उसको नीचे दाओ, ऊपर मत दिया करो, बुझ जाएगी तो आग बुझ जाएगी, आग नहीं बुझनी चाहिए। तीन हवन की सामग्री बोलती है ये एक मिनट काफी हो जाता है। सब देख रहे ना आनंद आ रहा सब। ओम प्रजापति विष्णु अनुष्ठुप छंद श्री कृष्ण देवता द्रौपदी के लिए दुनिया को ओम हो विष्णु नाम दीपते विष्णु मित्र इकट्ठे कर रहे हैं मार्ग में नहीं।
इसको एक एक ऊपर ज्यादा आम जाइए ना कपड़ा छोटा नहीं है कपड़े को छोटा छोटा बना इतना जरूरत है छोटा फाड़ एक आधा कर दे अरे नहीं वेदी बड़ी बैठ बैठ ये तो सारे ये छोटा ये पहले मैंने फुटवा दिया हाँ मुझे चार तरह की ईट लगाऊं तो चोटी हो जाएगी और अरे क्या कर रहे हो जी जाओगे फिनिश कर दो